प्री होली सेलिब्रेशन के लिए मैं आया हुआ हूँ नागपुर से 65 किलोमीटर दूर धौलापुर गांव में। धौलापुर गांव पारसिवनी तहसील का एक छोटा सा गांव है और ये चारों तरफ जंगलों से घिरा है। इस गांव में एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है, मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है जिसको संगम बोलते हैं, ओशो संगम। ये मेडिटेशन सेंटर ओशो भगवान रजनीश से जुड़ा हुआ है और यहाँ कई लोग आते हैं मेरे जैसे और बाहर से बहुत से, इवन यूरोप से भी लोग आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही शानदार, बहुत ही कूल एंड काम प्लेस है। कभी आपको जब भी मौका मिले इस सेंटर में ज़रूर आइएगा। आज जो प्री होली सेलिब्रेशन है उसका एक ख़ास पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं अभी इस वक्त बैठा हूँ एक कलाकार के साथ। ये कलाकार अपने आप में एक ज़बरदस्त इंसान है। इनका जो कला है वो अपने आप में दिल को छू देने वाला है, एक बहुत ही आनंदित कर देने वाला कला है। और ये परफॉर्मेंस जो मैंने समझा कि ये आसान बात नहीं है सबके लिए ये करना जो ये करते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए कि क्या इस तरह का कला, इतनी खूबसूरत कला को ये आगे बढ़ा रहे हैं, जीवित रखे हुए हैं। हम उनसे डायरेक्ट मिलते हैं, बात करते हैं। अपने हर कार्य को कुशलतापूर्वक करने वाले ये जो मेरे कैमरे के फ्रेम में शख्स दिख रहा है, इनका नाम है प्रियदर्शन सोनटके। ये एक बेहद जबरदस्त लोक नृत्य कलाकार हैं और इनकी खासियत यह है कि ये लावणी नृत्य करते हैं। इस नृत्य को मुख्यतः औरतें क्या करती हैं, परंतु सभी रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए इस नृत्य को न सिर्फ सीखा है बल्कि खूबसूरती से प्रस्तुत भी करते हैं प्रियदर्शन। हेलो एवरीबॉडी, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। जैसे मैं एक लावणी कलाकार हूँ और डांसेस आते हैं, बट लावणी मैंने चूज़ किया है क्योंकि वो महाराष्ट्र की कला है। तो जैसे महाराष्ट्र की कला बहुत लुप्त होती जा रही है, तो यहाँ पे जो हम लोग जो मतलब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें एक अलग सी दिलचस्पी बढ़ जाती है। पीपल्स भी, ऑल पीपल्स भी बहुत उसको लाइक करते हैं। तो जैसे कभी देखा नहीं रहता और देखी भी रहती तो ऐसी कला उनके पास में नहीं जाते वो लोग। तो जब पास से होती है तो बिलीव नहीं कर सकता मैं कि इतने अच्छे से वो लोग मतलब इतना मतलब अच्छे से वो ट्रीट करते हैं, कि बात बोलते हैं कि सही में महाराष्ट्र की कला लावणी बहुत अच्छी है सही में। तो मुझे यही बोलना है कि इतनी सुंदर जो कला है तो उसको लुप्त होने मत दीजिए। और जो भी आपको मतलब जो अच्छा लगता है तो लावणी की सुंदरता को मतलब लावणी की सुंदरता को, अच्छाइयों को लीजिए, बुराइयों को मत लीजिए। क्योंकि लावणी एक सौंदर्य से भरी हुई, नज़ाकत से भरी हुई और सारी चीज़ों से भरी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लावणी को बहुत आगे बढ़ाओ। और मेरी कला के लिए भी आप दुआ करो और मैं भी आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि आप भी अच्छे रहो, फूलो फलो और खुश रहो। तो जो भी है, जितना भी है, मैंने मेरे से जो बनता है मैंने वो किया है। तो ये बस छोटी सी कला है मेरी, बस इसको आप जितना लाइक करो, जितना मतलब फेमस करो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं, आनंद लेते हैं इनके नृत्य कला का, इनके संगीत से प्रेम का, और उसी उत्सव में हम भी शामिल हो चलते हैं। चलिए, राजा 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 राजा
चिंता